हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? सभी को राम राम जी, राधे राधे जी। आज मैं आपको जो है ये तो मैंने न्यू बॉर्न बेबी की बनाई है, तो अगर आपको मिनी सा जाता है तो ये आपको बिग में भी बना सकते हो। बहुत प्यारी बुटी है, तो गर्ल्स भी मैन भी अपने लिए वेयर कर सकती है। यदि आप जो है इसका बिग साइज़ सीखना चाहते हो तो मुझसे जो है व्हाट्सएप में कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। साथ में जो मैं आपको इसका ग्राफ भी बताने जा रही हूँ और टोटल इसमें मैंने कितने फंदे लगाए हैं ये भी मैं आपको जो है क्लियर करने जा रही हूँ। तो टोटल फंदे मैंने इसमें जो है 50 लगाए हुए हैं, यानी 50 फंदों से मैंने जो है इस तरह की बुटी को बनाया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से ऊपर से मतलब मशीन में भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि क्रोशिया में करना है तो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ जो है शो आउट करा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जीरो से आपने जो है पैर के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है फंदे लगाने हैं आपने, ठीक है। फिर मैं बता लेती हूँ आपको इस तरह से। और जो ये बन रहा है ये ग्राफ, इसमें भी मेरे पास कम से कम 1000 से भी ज़्यादा जो है पैटर्न है। अगर आप ये 4 में सीख रहे हैं तो ये राउंड में भी आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है। बड़े प्यारे प्यारे शेप के ये जो है पैरियाँ बनती हैं, जिसे हम जो है फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में सिखाने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ग्राफ बनता है बहुत ही अच्छा ग्राफ बनता है। इसको हम जो है इक्वल पार्ट में इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए सिलाई कैसे, मैं इसमें सिलाई भी बता लेती हूँ। सिलाई मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक बैक तक आएगी, और जो इसका जो ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन इसका यहाँ जुड़ता है और इसका एक पोर्शन यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट, ठीक है। जब ये बढ़ता क्रम जाता है ना सीधे सीधे, इसमें हमने पहले जो है जस्ट फंदे डालने हैं, उसके बाद प्लान करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने राइट और लेफ्ट से लेस करना है। सेंटर के भाग को हमने ऐसे ही रख लेना है, ठीक है। और इस तरह से ये आपके प्यारी बुटी बन जाती है, ठीक है। तो बेबी के अभी न्यू बॉर्न बेबी है, तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए 4, 8, 12 मैंने 12 ही रो लिए, ठीक है। बिग्स के लिए आप मतलब जितना पैर होगा उतने आपने फंदे बनाने हैं, उतने ही रो ऊपर की ओर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पैटर्न। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या देखना है, अब राइट और लेफ्ट से बराबर भागों में मैंने जो है तो इन्हें डिवाइड करना है। तो यानी यहाँ पर मैं 20 फंदों को 20 फंदों को लेस कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 यहाँ से लेस किए, 20 यहाँ से, यानी 20 लेस कर दिए। अब देखिए जो मेरे अब यहाँ पर बचते हैं 10, ठीक है। तो 10 में से मैं चाहो तो आप लेस भी कर सकते हो, पर मैं इसको जो है इसमें डाल दूँगी, 5 को डालूँगी मैं, ठीक है। और सिर्फ 5 को ही बुनते हुए जाना है मैंने। आप चाहो तो यहाँ पर सेफ्टी पिन और किसी भी पिन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से ट्रांसफ़र कर देने 5, इस तरह से 5 मैंने इस तरह से कर देने, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर दूँगी, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर अनदर धागा लगा लेती हूँ, कट कर देती हूँ। तो बहुत प्यारी प्यारी पैरियाँ बन के आती है इसमें ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। कैरिज मेरा इस तरह से, जो सिंपल नीटिंग मशीन वाली बहनें होंगी ना, मैं उनको बता लेती हूँ, उन्होंने ट्रक लीवर का इस्तेमाल करना है जो बैक को करने, और कार्ड मशीन वाली इस बटन का यूज़ करेंगी।
अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर वन बाय वन एक एक फंदा बाहर की ओर निकालना है, ठीक है, इस तरह से। मैं यहाँ टू कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो फोर कलर का यूज़ भी कर सकती है। जितने भी आपके पास वेस्ट वुलन थ्रेड रहेंगे आप उसका यूज़ बखूबी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब जब मैंने यहाँ पर इस तरह से कर लिया, अब जैसे मैंने बाहर निकाले थे, ठीक है, वैसे ही वन बाय वन एक एक करके पीछे की ओर जाना है। इसी तरह से मैंने चारों कलर को लगाते हुए जाना है। इस तरह से, ठीक है। अगेन कह रही हूँ, आप किसी भी धागे को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसे पक्का कर लिया है, ठीक है। अगेन इस तरह से, इस तरह से। ये जो स्टेप है मैंने फोर बारी करने हैं, कितने बारी करने हैं, फोर बारी करने हैं। देखिए यहाँ मैंने फ्लावर लगा दिया ना बीच में, देखिए 1 2 3 4, आपको जैसा पसंद है वैसे ही कलर आप लगा सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया है सेम अगेन कह रही हूँ, ये देखिए 1 2 3 4, फोर वारी आपने इस तरह से करते हुए जाइए, फिर मैं आपको स्टिचिंग का तरीका बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4, फोर कॉर्नर्स यानी फोर मेरे चार कोने का ये मेरा बन गया है। अब मैं इसे लेस कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब जो सिलने का तरीका है, अब मैं देखिए, अब जो ये वाले फंदे हैं और ये वाले फंदे हैं, इनको हमने जैसे मोंडे जोड़ते हैं सेम वैसे ही जोड़ते जाना है, यानी कि एक ही सुइयों में ट्रांसफ़र करते हुए जाना है। देखिए तरह से ढकले वाला बंद, फिर लेस करती हूँ, फिर जोड़ने का तरीका आपको बताती हूँ। अब देखिए ये जो मेरा फोर कॉर्नर है, टू कॉर्नर मेरे लेफ्ट साइड में और टू कॉर्नर मेरे राइट साइड में स्टिचिंग होंगे, ठीक है। इस तरह से दोनों भागों को स्टिचिंग करना है हमने, ठीक है, पक्के से कर लेना है। और मैंने आपको ग्राफ में तो बता दिया है कि नीचे का भाग और पीछे का भाग कैसे जुड़ेगा, ठीक है। इस तरह से फिर मैं आपको जो है दिखाती हूँ, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भाग देखिए स्टिचिंग हो गया है। और सेंटर में आप इस तरह का क्रोशिया का कुछ भी मतलब फ्लावर लगा सकते हो। स्टिचिंग का तरीका फिर अगेन बता लेती हूँ आपका, खोल देती हूँ बैक से आगे के लिए, ठीक है, और उसके बाद आपने क्रोशिया करते हुए जाना है। तो इस तरह से ये चार कॉर्नर का बन गया है। तो हमने फ्लावर पिनअप करना है, ठीक है।
और बैक साइड में क्रोशिया करना है। तो उसके बाद मैं आपको कंप्लीट करके दिखा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे कलरफुल वेस्ट थ्रेड के जो है मिनी से न्यू बोर्न बेबी के लिए बुट्टू तैयार हो गए हैं। इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड फैशन डिजाइनिंग कोर्स, देन ज्वाइन टू मी एंड गेट सर्टिफिकेट 6 मंथ कोर्स।